बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से खैर वाफियत से होंगे। तो आज जो रेसिपी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं ये है पेठा कद्दू का सालन। तो पेठे का सालन किस तरह बनाते हैं, बहुत लजीज डिश बनती है इसकी और बहुत आसान तरीके से हम इसको कैसे कुक करेंगे ताकि बच्चे और पूरी फैमिली इसको शौक से खाए। जी व्यूअर्स, तो अब हम इसको तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको काटते हैं। जी व्यूअर्स, तो ये बिल्कुल फार्म फ्रेश है। तो अब इसको हम काट लेते हैं, किस तरह काटना है काट के फिर हम आपसे मुलाकात करते हैं। जी, तो हमने इसको काट लिया, इसको इस तरह काटना है, बस छोटे छोटे पीस बनाने हैं इस तरह के। इसमें हमने दो प्याज डाले, दो तीन छोटे टमाटर लिए, थोड़ी सी हरी मिर्च ले लिए और अब इन सब चीज़ों को हम एक देगची में डाल देंगे। तो ये सारा कटा हुआ मटेरियल इसमें डाल देंगे। प्याज और टमाटर भी डाल देंगे। जी, तो इसमें हरी मिर्च भी शामिल कर देंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक हरी मिर्च शामिल कर लें। दो टीस्पून नमक डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक इस्तेमाल कर लें। जी, तो उसमें एक गिलास पानी शामिल कर देंगे। अब अगर आप इसको देगची में पकाना चाह रहे हैं या मिट्टी की हांडी में पकाना चाह रहे हैं तो इसको ढक्कन लगा के एक मिनट तेज़ आंच रखेंगे। उसके बाद 35 मिनट तक इसको हल्की आंच में पकाएंगे। अगर प्रेशर कुकर में पका रहे हैं तो 12 मिनट इसको टाइम देंगे। जी व्यूअर्स, तो हमने इसको 35 मिनट तक हल्की आँच पर मिट्टी के बर्तन में पका लिया। अब ये तैयार हो गए। अब एक फ्राइंग पैन में मसाला बनाएंगे, मसाला बना के इसको उसमें शामिल कर देंगे। जी व्यूअर्स, अब हमने एक पैन ले लिया, इसमें एक प्याज काट लिए, इस तरह प्याज काट लेने। कुकिंग ऑयल डालेंगे एक कप। जी व्यूअर्स, अब ये प्याज थोड़े से पक गए हैं, इनको बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ा सा पकाना है। अब इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे। दो टीस्पून ज़ीरा शामिल कर लिया। अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे दो टेबलस्पून। दो टेबलस्पून धड़ा मिर्च शामिल करेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कर लें। एक टीस्पून हल्दी, मोटा पिसा हुआ धनिया दो टेबलस्पून शामिल करेंगे। पेठे को बॉईल करते हुए जो उसमें से पानी निकला था वो हमने पानी रख लिया था, तो ये पानी थोड़ा सा शामिल करेंगे। आप इसमें मटन स्टॉक है, मटन स्टॉक इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन स्टॉक है वो इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, या चाहें तो आप चिकन क्यूब इस्तेमाल कर लें। तो हम इसमें एक चिकन क्यूब डालेंगे। जी व्यूअर्स, तो अब हमारा ये मसाला तैयार हो गया। अब इसमें बॉईल किया हुआ पेठा कद्दू शामिल कर देंगे। पेठे का पानी जो बचा हुआ था वो भी इसमें शामिल कर देंगे।
5 से 6 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे इस तरह थोड़ा सा तिरछा ढक्कन लगा के उसको रखते हैं। जी व्यूअर्स, तो अब ये तैयार हो गए। अब इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम ऑफ कर देंगे और ढक्कन लगा के 1 से 2 मिनट के लिए रख देंगे। जी व्यूवर्स, तो ये पेठे का सालन तैयार हो गए। ये देसी घी है, ये ऑप्शनल है, अगर आप इसमें डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। ट्राई करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत टेस्टी बने, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरीके से आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको इतना अच्छा लगेगा, आपका बार बार दिल करेगा कि ये डिश तैयार करनी चाहिए। जी व्यूअर्स, तो बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ आपके साथ मुलाकात होती है। अल्लाह ताला आप सबका आमीन नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।